हाई स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, ओके फाइन। तो बच्चे, आज का हमारा टॉपिक है साउंड ऑफ आई। जैसे हम पिछले दो दिन से कर रहे थे साउंड ऑफ ए, साउंड ऑफ ई, तो आज हम क्या कर रहे हैं, साउंड ऑफ आई। साउंड ऑफ आई जो है ये इससे हिंदी का बनता है छोटी ई। ठीक है, छोटी ई की मात्रा। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा क्या लिखा हुआ है, टै ई पे, यानी टै को छोटी की मात्रा है और पे, ठीक। तो यही जैसे टी आई, आई यानी छोटी की मात्रा हो गई, टी से बन गया टै और आई यानी छोटी की मात्रा हो गई, तो क्या बन गया, टी पे, पी से पे बन गया, तो क्या बन गया, टी आई पी, टिप। सबसे पहले तो बेटा आपने इस बात को नोट रखना है, इस बात को लर्न करना है अच्छे से कि आई जो होता है वो छोटी ई माना जाता है, यानी छोटी ई की मात्रा मानी जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो बेटा आप, एल आई डी, एल से ले, आई यानी छोटी की मात्रा और डी मतलब डे, तो क्या बन गया, एल आई डी, लिट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट है एस आई टी, एस आई टी, सिट। एफ आई टी, फिट। बी आई डबल एल, बिल। एफ आई डबल एल, फिल। एच आई डबल एल, हिल। एल आई पी, लिप। एस आई सी के, शिक। तो मैंने यहाँ पे सिक लगा रखा है, तो ये होता है शिक, हुए वाला शेर। ओके, तो बच्चे आपने ये लर्न करना है कि साउंड ऑफ आई मतलब छोटी ई, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, आप इसको अच्छे से बार बार दोहराएं और राइट भी करें और लर्न भी करें। आज के टॉपिक में इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के लिए कल मिलते हैं। ओके, बाय बाय, धन्यवाद।